अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है माज और आप सब देख रहे हैं मैजी ब्लॉग्स। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो आज है हमारी रमज़ान सीरीज़ का डे 10 और मैं आज आपको बताने वाला हूँ मुंबई बेस्ट कीमा पाव मलाई पाव, जो कि लोकेटेड है मुंबई के नागपाड़ा में। तो यह है वन एंड ओनली होटल जिसको लोग सारवी कहकर बुलाते हैं। ये कम से कम इंडिपेंडेंस से पहले की होटल है। तो इसका पूरा लोकेशन डिस्क्रिप्शन में, ये आप देख सकते हैं, मैं हूँ नागपाड़ा जंक्शन पे। तो चलो फटाफट से इनका लजीज कीमा पाओ, और जो जो अभी शहरी का टाइम है तो अपन मीन्स शहरी के लिए ये पूरा व्लॉग शूट कर रहे हैं, शहरी स्पेशल व्लॉग होने वाला है। तो ये मैं आपको पूरा इधर का, जैसे आप भी यहाँ पे शहरी करने आ सकते हैं, इनका कीमा और पाव ट्राई कर सकते हैं, इनकी मलाई ट्राई कर सकते हैं, रेट क्या होने वाला है, कैसा मीन्स क्या प्रोसीजर है, ये होटल कितनी पुरानी है, सब बताता हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। तो चलो बने रहो वीडियो के एंड तक, अभी हम आपको लेके चलते हैं सारवी होटल। तो अभी हम लोग फाइनली सारवी होटल के अंदर आ चुके हैं और अभी हमारे साथ है ये होटल के मैनेजर। सो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद जबीउल्लाह है। सैयद जबीउल्लाह, तो ये भाई यहाँ के मैनेजर है। तो चलो ये होटल की कुछ खसूसियत, क्या खाने का टेस्ट है, क्या रेट है, सब अभी जबीउल्लाह भाई से पूछते हैं। तो सबसे पहले भाई, अपनी ये सारवी होटल कितने साल पुरानी है? अपने सारवी होटल अभी मिनिमम 106 साल तो होते आ रहा है। ऑलमोस्ट 106 साल के करीब। तो अभी मेरी एज 18 और रनिंग है, तो मीन्स 18 साल से मैं भी बचपन से आकर कीमा खा रहा हूँ, बराबर। तो मेरे डैडी, फिर उनके भी डैडी, वो लोग सब लाइन से घर पे कीमा आता था। तो अभी अपना पहले रेट क्या था, जब से चालू हुई थी, जब अपने कीमे का रेट क्या था? स्टार्टिंग रेट अपना कीमे का 3-4 रुपीज के हिसाब से, 3-4 रुपये में कीमा था। और अभी क्या रेट है? अभी 85 रुपीज का। अभी 85 रुपीज में प्योर मटन कीमा है। हाँ, प्योर मटन। और मटन के कीमे के साथ अपने इधर क्या क्या फेमस है? कीमे के साथ अपना टेस्ट कीमे का तंदूर रोटी लेते हैं, और अपना सीख पराठा है, सीख पराठा पाया, भेजा मसाला फ्राई ऑलमोस्ट ज़्यादा फेमस रनिंग आइटम है, भेजा मसाला फ्राई। तो अभी जैसे आप सबको मालूम है कि रमज़ान है, तो रमज़ान का कुछ स्पेशल और क्या रहता है? अपना कबाब है और लंबा पाव। कबाब, हाँ, जैसे लोगों को मालूम है लंबा पाव ये मुंबई के इधर बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। और कुछ जो फेमस चल रहा है? अपना कीमा है। कीमा तो ऑल टाइम फेमस है ज़्यादा, अपना रमज़ान के टाइम, शहरी के टाइम अपना कबाब पाव, लंबा पाव। कबाब पाव और लंबा पाव। तो चलो मींस अभी हम लोग अपने व्यूअर्स को क्या क्या दिखाएंगे वीडियो में, मींस अभी क्या खाने के आइटम? अभी शहरी का आइटम आप अपना कीमा देख सकते हो, कबाब देख सकते हो, कबाब, ओके, एंड देन लंबा पाव और मलाई पाव। मलाई तो अभी फिलहाल ख़त्म हो गया, बट मलाई भी मिलती है अभी। मलाई मिलती है, ठीक है। तो चलो अभी फटाफट से इनके जितनी भी क्यूजिन आइटम है फटाफट से आपको टेस्ट करके बताते हैं। और यहाँ पे नाश्ते के अलावा भाई लंच और डिनर का भी मेन्यू रहता है, बराबर। हाँ, मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट के आइटम कीमा ही मेन फेमस है ज़्यादा, कीमा बराबर। एंड अपना लंच टाइम अपना पाया भी है, हाफ गोश्त सूप रहता है अपना। पाया भी इधर है? हाँ, पाया, बकरे का पाया, बकरे का, माशाल्लाह। तो चलो अभी फटाफट से इनकी सब लजीज चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको भी इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। फटाफट से आओ भाई, एड्रेस क्या होगा अपनी होटल का? अपना ये नागपाड़ा है, नागपाड़ा जंक्शन पे मेन आ जाते हैं। तो और लोकेशन जिसकी किसी को चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी लोकेशन है। तो फटाफट से सारवी होटल आओ, अपना कीमा ट्राई करो, शहरी में आओ, यहाँ का कुछ अलग ही रौनक है, आप देख सकते हैं। अभी रात के बज रहे हैं कुछ, तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं, फिर भी यहाँ पे लोगों की भीड़, लोगों का प्यार कीमे के लिए। तो चलो फटाफट से अभी ये खा के आपको बताते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं हमारे टेबल पे ये शहरी स्पेशल मेन्यू आ चुका है। ये है इनके छोटे कबाब, ये देख सकते हैं, ये 12 पीस का प्राइस है 70 रुपीज़। ये है मुंबई का बेस्ट स्पेशल मटन कीमा, ये देख सकते हैं, सर्विस स्पेशल। ये है मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट कीमा जो सर्व कर रहे हैं 106 ईयर्स एंड रनिंग। और ये आप बिलीव कर सकते हैं, ये है मलाई, ये देखो, ये इतनी सारी मलाई आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 40 रुपीज़ में, ठीक है। और ये है मुंबई का फेमस लंबा पाव जो सिर्फ मुंबई में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। ये लंबा पाव की प्राइस आपको 36 रुपीज़ 12 पीस, देख सकते हैं।
ये एक पीस इतना बड़ा रहता है, ये देखो। तो चलो अभी फटाफट से इसका टेस्ट करके आपको इसका एक्सपीरियंस बताते हैं। आप भी फटाफट से ये सर्वी होटल में ज़रूर से अपनी फैमिली के साथ खा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा मेरे पीछे फैमिली रूम है। अभी रात के 3 बज रहे हैं, फिर भी लोगों की आप प्यार काफ़ी अभी भी बरकरार है। तो चलो फटाफट से आपको टेस्ट करके बताते हैं। ये तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारी कुछ ऐसी शहरी होने वाली है आज की। तो अभी बज रहे हैं 3:30। तो आज अपनी शहरी में जैसे मैं आपको बताया, कीमा, मलाई कबाब और ये कुछ लंबे पाव। देखो ये पानी भी अपना आ चुका है, तो अभी इसको फटाफट से वाइंड अप करते हैं। टेस्ट यहाँ का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो फटाफट से अपनी फैमिली को शहरी के लिए यहाँ पे लेके आओ। रमजान बाद भी आप आ सकते हो। ये द फेमस मुंबई, फेमस मुंबई का सबसे ज़्यादा फेमस कीमा, आप यकीन माने काफ़ी टेस्टी है और एकदम हाइजीनिक तरीके से बनाओ, ठीक है? तो बने रहो वीडियो के एंड तक। चलो तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। देखो ये लंबा पाव है और ये ऐसा फर्स्ट कीमा है। देखो ये कीमा ऐसा लंबा पाव में आप लगाएंगे, देखो ये, और इसकी फर्स्ट बाइट लेते ही। तो जैसा मैं बचपन से खा रहा हूँ, सेम टू सेम कीमे का टेस्ट अभी भी वैसा। तो अभी आप ये देख सकते हैं कबाब है, ये भी मटन से बने रहते हैं। देखो काफी क्रिस्पी है, ये देखो ये टेस्ट है। आप क्रंच की आवाज सुन सकते हैं, एकदम क्रंची है। और रात के 3:30 में आपको गरम गरम कबाब मिलेंगे, एकदम हॉट कबाब। और ये मलाई पाव अनबिलीवेबल है, 40 रुपीज़ में आपको ये इतना बड़ा बॉल मलाई का मिल जाएगा। इसका प्राइस सुन के मैं खुद हैरान हो गया, 40 रुपये में आपको इतनी सारी मलाई। तो ये था मेरा कुछ यहाँ का टेस्ट का एक्सपीरियंस। तो चलो फटाफट से ही आपको पूरा वाइंड अप करके मिलते हैं, बने रहो वीडियो के एंड तक। हाँ, तो ये देख सकते हैं, अभी हमने पूरा ये सब सुबह का शहरी वाइंड अप हो चुकी है। काफ़ी टेस्टी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। फटाफट से उन्होंने इसको वाइंड अप करके आपके लिए वापस से वीडियो बना रहे। तो ये आपको पूरी शहरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और फटाफट से आप भी अपनी फैमिली के साथ सारवी होटल नागपाड़े पे आओ। तो ठीक है, ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करो। ये ब्लॉग मैं इधर ही एंड करता हूँ। ये थी हमारी रमजान सीरीज की डे 10। पहला असरा अल्हम्दुलिल्लाह से गुजर चुका है, अभी रमजान के 20 दिन बाकी है, ठीक है? तो ये ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, बने रहो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, स्टे ट्यून। तो चलो, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।